मध्य प्रदेश में मौसम संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहां तो मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में मानसून की तारीख 15 जून की दी थी, पर आज 20 जून तक भी कई जिलों में मानसून के नामोनिशान नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रम से और जानते हैं कि क्या रहेंगे मौसम के हाल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूँ आपके साथ यश पाठक। मानसून का इंतजार में हम बैठ रहे हैं और काफ़ी जगहों में अभी प्री मानसून एक्टिविटी काफ़ी एक्टिव है। और मध्य प्रदेश का देखा गया तो कल भी काफ़ी जगहों में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड रिपोर्ट हुआ है और ये स्थिति अभी आने वाले कुछ दिन में भी ऐसे कंटिन्यू रहेगा। हमने आज भी मतलब काफ़ी जगहों में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड 50-60 किलोमीटर पर आवर का गस्टी विंड का चेतावनी दिया है। ऑलरेडी ईस्टर्न एमपी की काफ़ी जगहों में कन्वेक्शन शुरू हो गया, कुछ कुछ स्पेशली इधर छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट वो रीजन में अभी ऑलरेडी कन्वेक्शन शुरू हुआ है। वहाँ पे हमने हेल स्टॉर्म का भी वार्निंग आज के लिए दे रही हूँ। और लगभग मध्य प्रदेश के सेंट्रल साउदर्न मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स और सेंट्रल रीजन में भी आने वाले दिनों में बारिश के साथ साथ थंडरस्टॉर्म के साथ साथ बारिश और गस्टी विंड का चांसेस है। हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश के कुछ चांसेस हैं। हाँ, इवनिंग टाइम का शावर्स का चांसेस है, जैसे जो शाम तक जो बारिश होते हैं थंडरस्टॉर्म वो टाइप का बारिश का चांसेस है आज से आने वाले कुछ दिन में। मतलब हल्की बारिश रहेगी या? हाँ, मतलब हल्की टू मॉडरेट टाइप का बारिश रहेंगे। मानसून जहाँ तक की है पहले अपने मध्य प्रदेश में और अपने भोपाल में 20 तारीख तक आने की संभावना दिखती है। हाँ, तो आज आज मानसून अभी हम देखा गया तो लास्ट 10 डेज में मानसून एकदम मतलब वीक था और बिल्कुल वही पोजीशन में थे। आज थोड़ा सा एडवांस कर रहे, जैसे छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा रीजन एडवांस कर रहे और महाराष्ट्र में भी गोंदिया तक एडवांस कर रहे, मतलब ऑलमोस्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर प्लेस है। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं अगले आने वाले 3-4 दिन में मध्य प्रदेश में भी उसका एंट्री होने का चांसेस है। हाँ, अलर्ट अभी तो थंडरस्टॉर्म के लिए जारी किया है, थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड और हेल जहाँ दिया वहाँ पे हमने रेड वार्निंग दे रही है। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला शिवनी, बालाघाट, पांडुर्ना, छिंदवाड़ा वो रीजन में, बट बारिश के लिए नहीं, थंडरस्टॉर्म है, हेल भी है और गस्टी विंड भी 50-60 किलोमीटर पर आवर का गस्टी विंड है। उसकी वजह से हमने वहाँ पे एक कुछ डिस्ट्रिक्ट में रेड दे रही हो, बाकी डिस्ट्रिक्ट में सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज वार्निंग दिया है। तो जैसा कि आपने सुना, ये थी मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रम, जिन्होंने बताया कि कई ऐसे ज़िले हैं जहां मौसम विभाग ने थंडरस्टॉर्म के अलर्ट जारी किए हैं। और बात करें भोपाल की तो भोपाल में अगले कुछ दिनों में शाम के वक्त बारिश होने की संभावना है। तो अब देखने वाली बात यह है कि मौसम विभाग का ये संदेशा किस हद तक सच साबित होता है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बनी रही है हमारे साथ प्रदेश तक पर। धन्यवाद।